नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो दिस इज चैप्टर 17.7। मेक श्योर दैट यू हैव आल्सो वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके नोट्स भी आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लेने हैं, जो भी स्लाइड्स होंगी उसको आप जैसे ख़त्म हो स्लाइड उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके नोट का काम करेगा। नोट आपको बनाना नहीं है, टाइम इतना है नहीं आपके पास कि बहुत ज़्यादा टाइम आप नोट बनाने में इन्वेस्ट कर दो, मैं ऑलरेडी बना के ही दे रहा हूँ। सो एज़ यूजल पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स ही है जो कि चार्ज किया जाता है डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, सपोज आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं आप, ठीक है। आपने SBI के शेयर खरीद लीजिए, मान लीजिए कि 300 के रेट पे शेयर बिक रहे हैं और आपने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो आपका अमाउंट हो जाएगा 30,000। फिर आप इसको बेचोगे 30,000, सपोज मान लो आपने 1,000 के फ़ायदे में 31,000 में बेच दिया इसको, ठीक है। तो आपका टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो जाता है 61,000 का, ठीक है। 61,000 का ट्रांजेक्शन हो जाता है। इस पे जो चार्ज लगेगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसी को कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन पे ओवरऑल देखना, ये कंप्लीट पे लगता है, ठीक है, और नॉट ओनली बाय पे, नॉट ओनली सेल पे, ये दोनों पे लगता है, बाय प्लस सेल दोनों, तभी एक ट्रांजेक्शन माना जाता है और इस पे आपका चार्ज आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे 61,000 पे सपोज अगर अभी करंट रेट के हिसाब से ये है 0.01%, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है 0.001%। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देना पड़ेगा कितना, ठीक है, ये तीन एक हो गया 1,000 by 100, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे इसको कट करते हो तो आपको देना पड़ेगा 0.61 रुपीज़, ठीक है। मतलब इतने अमाउंट पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आपने ट्रेड किया है तो मात्र आप 61 पैसे दे रहे हो एज ए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। आप किसको दे रहे हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है ये पैसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है एज ए डायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आता, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि आपके इनकम से इसको डिडक्ट किया जाता है, आपके इनकम से डिडक्ट किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2004, तो 2004 में ही ये आ गया था, ठीक है, ये डेट ज़रूरी है। नेक्स्ट, विथ चार्जिंग ऑफ STT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस वॉज मेड जीरो। चूँकि अब STT ले ही ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली आपको। सपोज आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी भी इक्विटी में, किसी भी शेयर में, आपने परचेज करके उसको छोड़ दिया, और आपने उसको छोड़ दिया 3 साल से ज़्यादा के लिए, 3 से 5 से 10 से, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके अर्निंग पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, मतलब आपके गेन पे जो आपने लॉन्ग टर्म में कमाया है उस पर कुछ चार्ज लगते थे, वो चार्ज अब जीरो कर दिया गया है। अब इसको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के द्वारा ही ले लिया जाता है। जबकि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेते हो, मान लो आप छोटे समय के लिए, आपको जो गेन होता है आपने छोटे समय के लिए इन्वेस्ट किया है, उसको उस पर जो चार्ज लगता था उसको रिड्यूस कर दिया गया था 10%। सब्सिक्वेंटली इसको चेंज कर दिया गया 15% 2008 में। तो ये पहले शॉर्ट टर्म जो था वो 20% था, उसको रिड्यूस करके 10% किया गया, बाद में इसको अगेन 2008 में बढ़ा दिया गया, 15% कर दिया गया। तो सारे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझो। रेट्स वेर रिवाइज्ड अपवर्ड, तो कई बार इसमें जो मीटिंग हुई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को लेकर, तो रेट को रिवाइज किया गया अपवर्ड साइड में 2005 और 2006 में। डाउनवर्ड साइड में भी इसको रिवाइज किया गया, रिड्यूस फॉर सर्टेन सेगमेंट्स इन 2012 एंड 2013। तो ये जस्ट एक डेटा है, आपको समझना है ऐसे ही, इस बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, एक डेटा है आपको याद। देखिए इकोनॉमिक्स डेटा का खेल होता है, बहुत सारा डेटा आपको याद रखना होता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में आप इतना याद रखो कि दो बार इसको अपवर्ड रिवाइज किया गया है 2005 और 2006 में, और दो बार इसको रिड्यूस किया गया 2012 और 2013 में। यहाँ पे बताना मैं ये चाहता हूँ कि इसको रिवाइज किया जा सकता है, बार बार रिवाइज किया गया है और इन इन सालों में रिवाइज किया गया है, ठीक है। प्रोविजंस वेयर अल्टर्ड इन द ईयर 2008, तो 2008 में एक मेजर अल्टरेशन हुआ इसके प्रोविजंस में, जब इसको इनकम
से काटा जाने लगा। पहले क्या होता था कि इसमें इनकम से नहीं काटा जाता था, बाद में 2008 में एक प्रोविज़न लाया गया, उसको उसमें बोला गया कि जो भी ये टैक्स लगता है ये आपके इनकम से लगता है, ठीक है, आपके इनकम से लगाया जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। इससे पहले इनकम से नहीं लगाया जाता था 2004 वाले प्रोविज़न के हिसाब से। नेक्स्ट, डिड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग द सेम एन एज एन एडवांस टैक्स पेड। तो ऐसा जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके इनकम से ही डिड्यूस किया जाता है, काटा जाता है, ऐसा नहीं माना जाता है कि इसको आपके एडवांस टैक्स आप पे कर रहे हो, ये आपके इनकम से ही काटा जा रहा है, ठीक है। आप एडवांस टैक्स यहाँ पे नहीं करते हो, जो कि पहले क्या माना जाता था 2004 में जब बना था, तो कि आपको एडवांस टैक्स आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया इस प्रोविज़न में 2008 में, और इसको माना जाता है अभी कि ये आपके इनकम से काटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एज ऑन द डेट एसटीटी इज़ नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिफरेंस शेयर। तो प्रिफरेंस शेयर अगर कुछ आते हैं तो उसमें आपको नहीं देना पड़ता है एसटीटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपने बाई की है तो वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं देना होता है। बॉन्ड्स खरीदे हैं वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं देना होता है एसटीटी के तौर पे। डिबेंचर्स आपने मान लो खरीदे हैं वहाँ पे भी आपको एसटीटी के तौर पे कुछ नहीं देना होता है। करेंसी डेरिवेटिव्स में आपने ट्रेड किया है तो भी आपको कुछ नहीं देना होता है। ये सारे एग्जेम्पशंस है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो इक्विटी से नहीं है, मान लो वो दूसरे सेगमेंट से है, लोन वगैरह सेगमेंट से, इक्विटी से नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको एसटीटी नहीं देना होता है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड में जिसको आप ट्रेड करते हो वहाँ पे भी आपको एसटीटी नहीं देना पड़ता है इन सच केसेस, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन शैल बी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ऐसे केस में मान लो आपने जहाँ पे एसटीटी नहीं दिया है वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन आपको भरना पड़ता है, उस पे टैक्स भरना पड़ता है, वहाँ पे छूट नहीं मिलती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको छूट नहीं मिलती है जहाँ पे आप एसटीटी नहीं देते हो। और एसटीटी कहाँ कहाँ नहीं देते हो ये मैंने बता दिया। प्रीफ्रेंस शेयर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी तब नहीं देना पड़ेगा, बॉन्ड खरीदा तब भी नहीं देना पड़ेगा, डिबेंचर पे भी नहीं देना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स ये सारे मैंने आपको बताए हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड सिक्योरिटी ये सब मैंने बताए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप मेरे पिछली वीडियोस को स्किप मत कर देना। ऐसा नहीं कि यहाँ से देखना शुरू किया और इसी को देखते चले जा रहे हो, आगे चले जा रहे हो, पूरा एक से लेकर सारे वीडियोज़ को देखना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टेक ओवर बाईबैक या फिर डी लिस्टिंग ऑफर पे भी जो शेयर्स आते हैं वहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप वहाँ पे एसटीटी फ्रेमवर्क के बाहर हो, आप वहाँ पे टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, जैसे कि आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी जिसमें चेंज ओवर हो रहा है ऑनरशिप का, ओनली नाम का चेंज हो रहा है, जैसे ऑनरशिप चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपका अगर ट्रेड है तो आपको कोई भी एसटीटी नहीं देना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे लगता है ट्रांजेक्शन, कहाँ करते हो आप, डीमैट अकाउंट वगैरह वाला जो एग्जांपल दिया उसको माइंड में रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको रिवाइज करना है। इट्स अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स ओनली। पिछले वीडियो में मैंने कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बताया था, उसके भी स्लाइड को आपको सेव कर लेना है। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगले वीडियो में फिर से मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। बाय।